पानसेमल नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम का रहवासियों ने किया स्वागत। वार्ड में सड़क निर्माण की उठी मांग। शनिवार नगर परिषद पानसेमल सीएमओ रामप्रसाद भावरे के निर्देश पर वार्ड एक में ओटलों के अतिक्रमण को तोड़ा गया। उपयंत्री अभय शर्मा ने बताया कि रहवासियों द्वारा नालियों की सफाई न होने की लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिसके बाद ओटले तोड़ने की कार्यवाही की। इन ओटलों के कारण सफाई कर्मी सफाई हेतु वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते थे, जिससे गंदगी बनी रहती थी। अतिक्रमण हटाने पर वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मुहिम को सही बताया। वहीं उनका कहना था कि पहले नालियों की सफाई पूरी तरह से नहीं होने के कारण गंदगी और मच्छर मक्खियों के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ मकानों में अतिक्रमण कर ओटले बना लिए गए, जिसके कारण नालियाँ चोक हो गई थी। अब नालियों की अच्छी सफाई होगी। उपस्थित महिलाओं ने मार्ग निर्माण की भी मांग की। स्वच्छता शाखा दरोगा प्रकाश सिंधे सहित स्वच्छता शाखा टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। पानसेमल से सावन भंडारी की रिपोर्ट। कहीं नहीं तोड़ रहे तो अच्छी बात है ना, सब गंदगी हो रही थी, हम 2-3 साल से पीछे पड़े थे, ध्यान नहीं दे रहे थे नगर पालिका वाले। और क्या समस्या है? और समस्या अगले पीछे रोड, दोनों गली के रोड बने, हमारे गली का रोड नहीं बना है, सब खड्डे खोद दिए, हमारे आंगने में सब मट्टी आती है, रोड भी बनाना हमको। वार्ड वार्ड एक नंबर नंबर एक गली। आपका? सोनाली लक्ष्मण यादव। अच्छा, यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर ओटले तोड़े जा रहे हैं, क्या समस्या थी यहाँ पर? अच्छा काम कर रहे हैं, तोड़ना चाहिए सबको, जो ज्यादा बना है वो तोड़ दो, हमें नाली भी बनाना है, रोड भी बनाना है, ये सब दिक्कत हो रही है हमारे घर में। वार्ड में कोई समस्या है क्या? अन्य सब गंदगी है, सब सुअर भी घर में आ जाते, पीछे से गायों ना आ जाती, सब बाथरूम कर देती, लेटरिन कर देती, सब बास आता हमको, सब कीचड़ हो जाता, वो पेड़ भी घर में आते, सब बच्चे भी परेशान हो रहे, रोड भी बना दो हमारा, रोड तो बहुत दिन से खराब।